एवरीवन, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बीपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं। तो इसमें है क्वेश्चंस, पहला कि इनर्ट गैस एग्जिबिट, ठीक है, तो इनर्ट गैस क्या एग्जिबिट करती है, पैरामैग्नेटिज्म की, डायमैग्नेटिज्म, फेरो, और ये सब यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो इनर्ट गैस होती है वो क्या एग्जिबिट करती है, डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। थोड़ी सी चीजें और जान लो डायमैग्नेटिज्म के बारे में, कुछ चीजें और पूछी जाती हैं आपके पेपर में, अक्सर आपको याद होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ डायमैग्नेटिज्म के बारे में, तो इनकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है डायमेटिज्म की वो निगेटिव होती है, यानी कि स्मॉल होती है, ठीक। अगर वही बात करेंगे पहले ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं, तो मैंने सोचा ये भी बता दें साथ साथ। पैरामेटिज्म के बारे में अगर आप बात करोगे तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, वो हमारी स्मॉल और पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव और स्मॉल होती है, ठीक है। वही सेम के जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी लार्ज होती है, ठीक है, फेरो के केस के अगर देखो, ठीक है। तो ये तो एक चीज और हो गई। दूसरी बात क्या है कि इनके बारे में थोड़ा सा, अगर इनके नाम मतलब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो अगर इसके एग्जाम्पल देखो तो इनर्ट गैस जो होती है, जितनी भी इनर्ट गैस आपकी होती है ना, वो सारी डायमेटिज्म के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आप लिख लो इनर्ट गैस, ठीक, और आप लिख लो AU, CU और HG, ये भी आपकी डायमेटिज्म के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगर आप पैरामेटिज्म में देखोगे तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये आपकी फेरो में आ जाएंगे। फेरो में तो आपको पता ही है, फेरोमैग्नेटिज्म की एग्जाम्पल लिखना चाहो तो फेरस है, कोबाल्ट है, निकेल है, ठीक है, और मैग्नीजियम के जितने भी अलॉय हैं, ठीक है, मैंगनीज के, मैंगनीज इसको बोलेंगे, मैंगनीज जितने भी अलॉय हैं वो सारे, कुछ स्पेशल चीजें मैंने बता दी आपको। क्वेश्चन का चित्र कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द शेप ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाई, ठीक है। तो शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिटरमाइन बाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब क्या है, सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है, जैसे अगर मान लो सरफेस टेंशन है ना, इसका मतलब है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश करता है, इसलिए ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम ऑर्बिट 2R से 3R, मिल जाना है हमको, ठीक है। तो 2R से 3R ले जाना है हमको, कोई बात नहीं, हमको जो फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू का फॉर्मूला होता है, यू इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, m1 m2 by r, ठीक, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा यू इज इक्वल टू, हमको चलना है तो हम बाहर ले लेते हैं माइनस जी एम एम, इस कैपिटल एम स्मॉल एम के रिस्पेक्ट ले लिया हमने, और हम एम मान लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इन्होंने कहा है 2R से 3R है ना, तो 3R यहाँ पर लिख देते हैं 2R, सॉल्व कर लो आप इसको। तो जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 6R, तो यू की वैल्यू आ जाएगी GmM/6R, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन अ स्ट्रीम लाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, ठीक है, या इन्होंने कहा है कि द मोमेंट ऑफ पार्टिकल अराइव एट अ पॉइंट आर सेम, ठीक, या मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका कौन सा सही होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो वेलोसिटी होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होती है वो जो वेलोसिटी होती है सही पार्टिकल्स की, ठीक है, चलिए मान लीजिए वो भी सेम है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी अराइविंग एट अ पॉइंट आर सेम, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अराइविंग एट द सेम पॉइंट सेम, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि हमें तीनों ही सही है यहाँ पर लग रहा है। अब अच्छा थोड़ा जान लो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो देखो, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम अगर कोई फ्लो होता है ना, मतलब, तो उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, या ठीक है। और आगे चलते हैं, इफ अ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉट हैपन्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से दिखाते हैं, ई इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर स्ट्रेन होता है वो हमारा बढ़ जाता है, यानी कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, मतलब जो कॉन्फिग्रेशन है, ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन और चेंज इन कॉन्फिग्रेशन, ऐसे आप बोलते हो, तो ये हमारा स्ट्रेन होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, आपका ये बढ़ जाएगा,
तो यहाँ पर आपका स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा। तो जो टेम्परेचर बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ेगा, अगर आप देखिए स्ट्रेन नीचे रखा हुआ है, तो अगर हमारा यहाँ पर स्ट्रेन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वेन 1 kg ऑफ आइस मेल्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर द चेंज इन एंट्रोपी इज, ठीक है, तो इन्होंने कहा है मास दे रखा है 1 kg, और टेम्परेचर दे रखा है, ये आइस है, ठीक है, आइस किसमें बदल रही है, वाटर में, ठीक, और जो इनका टेम्परेचर है वो हमारा कितना है, यहाँ पर भी 0 डिग्री है, यहाँ पर भी जो है वो 0 डिग्री है टेम्परेचर, ठीक। इंट्रोपी हमको बतानी, क्या निकालना है, इंट्रोपी, ठीक। तो इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा मुझे बताओ। तो इंट्रोपी आपको पता है, हम लिख सकते हैं एस बराबर, एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है dQ/dt, ठीक। अब यहां पर अगर आप देखें तो Q इज इक्वल, क्योंकि यहां पर क्या है कि स्टेट चेंज हो रही है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा ML, तो ML लिख देते हैं, M की वैल्यू है 1, और लेटेंट हीट जो होती है वो हमारा 80 कैलोरी होती है, तो अगर हम इसको ले जाएं ग्राम में ले जाएं, तो 1000 × 80 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, तो हम सीधा यहाँ पर वैल्यू देते हैं, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML/T, तो ML की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर T बच्चों वो टाइम पे यहाँ पर है, ठीक है, ये टेम्परेचर वाला हो गया, इस तरह से देते हैं, ठीक है, Q/T, ठीक, ये टेम्परेचर है, मैंने धोखे से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ML हो जाएगा यहाँ पर 1000 × 80, और टेम्परेचर कितना है, 273 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री है ना, तो आप इसमें जोड़ेंगे तो इट विल बिकम 273। ऑन सॉल्विंग दिस द वैल्यू दैट कम्स इज 293 कैलोरी कैलोरी इनवर्स, ठीक है, ये हमारी एंट्रोपी की वैल्यू हो गई, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, रिजल्टेड एट 30 डिग्री एंगल टू अ क्यूब दैट इज फिक्स्ड ऑन टेबल सरफेस, ठीक है। तो अब ये हमारा एक क्यूब है इस तरह से, और ये टेबल पर फिक्स है, इस तरह से रखा हुआ है, टेबल में बना देता हूँ, देखो ये आर्ट बहुत अच्छी है, तो मुझे पता ही है टेबल कैसे बनानी होती है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर टेबल पे ये रखी हुई है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इस पे आपने 30 डिग्री पर, ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपने 30 डिग्री पर इस पे आपने इस पे लगाया, फोर्स लगाया 30 डिग्री पर, तो थीटा जो आप एंगल बना रहे हो कितना लगा रहे हैं जब फोर्स लगा रहे हैं इस पे, तो 30 डिग्री पर, ठीक। तो इन्होंने कहा है कि क्या होगा, तो भैया जब क्या होगा, अगर आप 30 डिग्री पर लगाओगे तो इसके शेप और साइज में चेंज हो जाएगा, ठीक, तो चेंज इन बोथ शेप एंड साइज, ठीक। आगे चलते हैं, 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एज एरिया वर्टिकली एक्सपेंड हो रही है, प्रेशर वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 टू P2, V2, T2, मोलर स्पेसिफिक CV है, द वर्क डन बाय द गैस वुड बी, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबेटिक हमको देखना होगा, तो वो जो वर्क डन होता है वो होता है 1/γ-1 P1V1-P2V2, ठीक, और पीवी की वैल्यू जो होती है वो पीवी इज इक्वल टू होता है, हमको पता होना चाहिए पीवी इज इक्वल टू होता है NRT, तो ये हो जाएगा हमारा मतलब एन और आर तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो एन आर यहाँ बाहर ही आ जाएगा, γ-1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में T1-T2, ठीक। अच्छा, और एक और फॉर्मूला होता है जो सीवी होता है, जो सीवी होता है वो होता है R/γ-1, ठीक, ये सीवी की वैल्यू है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक, तो वो आ जाएगा NCV T1-T2, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही बैठेगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, उसके बाद फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अनअफेक्टेड बाय अप्लाइड इलास्टिक फोर्स, कौन सा मटेरियल जो होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो क्वार्ट्ज होगा उसको, वही हमारा सही आंसर होगा, तो हमारा जो तो सही आंसर हो जाएगा वो क्वार्ट्ज विल रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। तो ये थे 70 तक क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करेंगे, धन्यवाद।